हेलो बच्चों स्वागत है आपका एल एन जे में तो आपकी चल रही है द डेली चैलेंज सीरीज तो आज हम इसमें लेके आए हैं एक नया सवाल हालांकि सवाल आपको प्रीवियस क्वेश्चन के होमवर्क में मिल चुका होगा तो देखते हैं सवाल को कैसे एनालाइज करेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर यदि आप देखते हैं तो दो सेट हमें दिए हुए हैं एक तो सेट ए है जिसके अंदर पांच एलिमेंट है ए वन ए टू ए और इसमें यह भी दे रखा है कि इनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से है दूसरा हमें एक और सेट दे रखा है सेट बी जिसके अंदर नेचुरल नंबर है सारे के सारे और कहां से कहा था कि वन टू थ्री फोर के के वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन पी क्यू आर एस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है तो हमें करना क्या होगा मैट्रिक्स मैच का सवाल है ये एक एक को सॉल्व करना होगा जैसे फर्स्ट पी को सॉल्व करने के लिए इक्वल टू सिक्स मानना पड़ेगा क्यू को सॉल्व करने के लिए इक्वल टू एंड सो ऑन तो एक एक को सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं इनके क्या हमारे आंसर आते हैं ठीक बात जैसे क्वेश्चन किया दिया आप देखते हो तो पहला सवाल पहला जो पॉइंट है पी है हमारा वो क्या दे है बेटा हमें P हमारा दे है नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन निकालने हैं आप जानते हैं इंजेक्टिव का मतलब होता है एक एक ही रिलेशन होना चाहिए मेनी वन फंक्शन नहीं होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि एफ ऑफ ए आई का वैल्यू आई के बराबर ना हो एफ ऑफ ए आई का वैल्यू आई के बराबर ना हो इसका मतलब एफ ऑफ ए वन का वैल्यू वन के बराबर ना हो एफ ऑफ ए टू का वैल्यू टू के बराबर ना हो एफ ऑफ ए थ्री का वैल्यू थ्री के बराबर और एफ ऑफ ए फोर का वैल्यू फोर के बराबर ना हो इस तरह से इसमें दे रखा है के का वैल्यू हमें सिक्स है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सिक्स तक लेने हैं

चार, और एक एक और है भी हो सकता है तो देखना जरा इसको समझते हैं बात को मैं इसमें एक डमी एलिमेंट ले रहा हूं अपनी मर्जी से है नहीं आपके पास एक्चुअल में हम इसमें डमी एलिमेंट ले रहे हैं ए सिक्स अपनी मर्जी से बाद में उसको हटा देंगे आप सोचोगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसमें डी अरेंजमेंट का उपयोग कर पाए डी अरेंजमेंट आप लोगों ने सुना होगा डी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है एन लेटर्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एन एनवेलप एन होते हैं उनमें उनको इंसर्ट इस तरीके से करना होता है कि करस्पॉन्डिंग लेटर उसके खुद के एनवेलप में ना जाए तो उसका जो तरीका होता है डी अरेंजमेंट के थ्रू निकालते हैं आपको पता होता है डी वन का वैल्यू जीरो होता है डी टू का वैल्यून हम निकालते हैं ना सॉल्व करके डी वन का वैल्यू जीरो होता है डी टू का वैल्यू वन होता है डी थ्री का वैल्यू टू होता है डी फोर का वैल्यू इन होता है डी फाइव का वैल्यू फोर्टी फोर होता है ये कुछ कुछ याद है हालांकि आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं एनी वे क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो हमने क्या किया है क्वेश्चन में आप समझना एक एलिमेंट अपनी मर्जी से डमी एलिमेंट डाल लिया है ताकि हम इसमें डी एजमेंट अप्लाई कर पाए डी एजमेंट क्यों अप्लाई करना पड़ेगा ए वन को वन से कनेक्ट नहीं करना है ए टू को टू से कनेक्ट नहीं करना है ठीक है तो मान लीजिए छह हमारे पास एलिमेंट है और हमारे पास इधर की तरफ छह एलिमेंट है दोनों को आपस में कनेक्ट करना है कि खुद का खुद से रिलेशन ना हो ए वन का वन से ना हो टू का टू से ना हो तो इसके तरीके जो आएंगे सिंपल वे में बोल सकते हैं डी सिक्स आएंगे क्या आएंगे इसके तरीके डी सिक्स आएंगे लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्या गड़बड़ हो गई आपने जो डमी एलिमेंट माना है डमी एलिमेंट माना है कौन सा ए सिक्स वाला माना है डमी एलिमेंट ठीक हुई बात तो डमी एलिमेंट एग्जैक्ट मतलब डमी एलिमेंट जो है रियल में तो एग्जिस्ट करता नहीं है ठीक हुई बात डमी एलिमेंट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपने किया क्या है भाई ए सिक्स को आपने सिक्स के अलावा बाकी सब में इंसर्ट करवाया राइट ए सिक्स को सिक्स के अलावा वन टू थ्री फोर फाइव में इंसर्ट करवाया है ठीक है? है करो आपने आपने को को में में करवा करवा दिया, Suppose आपने A6 को 1 से कनेक्ट करवा दिया, कीजिए से लेकिन ये केस तो आपका वाकई काम का है ही नहीं A6 यदि हमारा 6 से कनेक्ट हो जाता मैं इसमें क्या कर रहा हूं एक और केस ले रहा हूं एक्स्ट्रा केस कौन सा जब ये हमारे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और ए फाइव ठीक हुई बात और इधर की तरफ क्या है हमारे वन

ये तो कोई काम का ही नहीं है बाकी सबका जो अरेंजमेंट होता वो तो अपने आप ही दोबारा से डी अरेजमेंट होता दोबारा से A1 का 1 नहीं होता A2 का 2 नहीं होता A3 का 3, A4 का 4, A5 का 5 नहीं होता यदि मैं A6 को 6 से कनेक्ट कर देता तब भी तो उस केस को एक्स्ट्रा और इंक्लूड करना पड़ेगा हमें यहां पर क्योंकि वो भी तो रिक्वायर्ड केस हो सकता है हमारा तो उस केस को आप कैसे लिखोगे बेटा उस केस को आप लिखोगे हमारे पास किस तरीके से कि डी सिक्स यहां पर लिखेंगे ये जो केस आया ये हमारा बन के आया क्या डी फाइव बन के आया मतलब कि क्या हो गया भाई डी सिक्स प्लस डी फाइव हमारा, हो 44। Overall हमारा जो आंसर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा थ्री जीरो थ्री जीरो पर आंसर आ जाएगा समझे आप बात को इस तरह से हम पी के लिए ऑप्शन कौन सा निकालेंगे यदि हम देखते हैं तो पी के लिए ऑप्शन कौन सा निकालेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड पी का आंसर क्या आ गया भाई पी का आंसर यहाँ पे मैं पी का आंसर गया है टू

और A3, A4, A5 के वैल्यू रेस्पेक्टिवली हो हो इस तरह से हो सकता है ना इसमें इसमें क्योंकि इक्वल भी चलेगा इसमें। चलेगा लेस देन नहीं बस इन शॉर्ट मैं यदि इसको लिखना चाहूं प्रॉपर वे में देखते हम क्यों कैसे लिखेंगे हमारे पास क्या दे रखा, तो रखा, रखा, रखा है ठीक है और हमें क्या बोला गया है? फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए इसका मतलब एफ ऑफ ए वन लेसर इक्वल टू एफ ऑफ एसर इक्वल टू एफ ऑफ देन और कनेक्ट होना चाहिए इक्वल भी हो सकता है बराबर भी मतलब इक्वल भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता A5 का पीछे वाले से, है अब इसको हमें डिकोड करना किस तरह से करेंगे समझ नजर ध्यान से कैसे इसको हैंडल करेंगे 1, 2, 3, 4, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एलेवन हमारे पास अब बी के सेट बी के अंदर एलिमेंट कितने एलेवन है उसके अंदर मेरे को कितने एलिमेंट सेट करने पांच एलिमेंट सेट करने ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव अब क्या क्या सिचुएशन हो सकती है सड़क सोचिए ऐसा हो सकता है कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव की वैल्यू हर एक की वैल्यू अलग हो एफ ऑफ ए वन की एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ ए थ्री एफ ऑफ ए फोर एफ ऑफ ए फाइव हर एक की वैल्यू अलग अलग हो या फिर ऐसा भी हो सकता है एफ ऑफ ए वन और एफ ऑफ ए टू इन कोई भी दो की वैल्यू सेम हो जाए बाकी तीन की अलग हो जाए कोई भी तीन की वैल्यू सेम हो जाए बाकी दो अलग हो जाए कोई चार सेम हो जाए बाकी अलग हो जाए और कोई पांचों के पांचों सेम कुछ भी हो सकता है ना तो पहला वाला केस ले रहे हैं सारे के सारी वैल्यू जो है सारे के सारे क्या है डिफरेंट है एफ ऑफ ए वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए टू नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए थ्री एफ ऑफ ए फोर के इक्वल ना हो और ये एफ ऑफ फाइव के इक्वल ना हो ये वाला जो केस आएगा ये वाला जो केस है हर कोई भी इक्वल ना हो उस केस में हम क्या करेंगे इन में में से के का में से का वैल्यू ना क्या करेंगे भाई इसको सॉल्व करने के लिए हम बेटा क्या करेंगे यहां पर इन ग्यारह में से ग्यारह में से कोई भी पांच एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे ग्यारह में से कोई भी पांच एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे जो कि ए वन ए टू ए फोर ए फाइव के लिए रिस्पॉसिबल है लेकिन उनका अरेंजमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उनका ऑर्डर पता है सपोज करो आपने टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सेलेक्ट कर लिए तो आपको पता है ए वन का वैल्यू टू होगा ए टू का वैल्यू थ्री होगा नेक्स्ट 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 यही ऑर्डर रहेगा तो इनका अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है ठीक है नेक्स्ट केस इसमें क्या बनेगा केस नंबर वन तो ये हमने ले लिया केस नंबर टू इसके अंदर क्या बनेगा वेन एनी टू इक्वल कोई भी दो जो है उनकी वैल्यू क्या हो जाए इक्वल हो जाए समझ रहे हैं आप बात को कोई भी दो वैल्यू इक्वल हो जाए मतलब एक तरह से हम पांच में से इस बार नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं पांच में से अभी तो हमने ग्यारह में से पांच एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए वन टू थ्री फोर इलेवन के अंदर अभी पांच में से मैंने केवल क्या कर सेलेक्ट करूंगा चार सेलेक्ट करूंगा सपोज करो वन टू थ्री फोर सेलेक्ट हो गए वन टू थ्री फोर मैंने सेलेक्ट कर लिया उन्हीं को मुझे ए वन टू ए फाइव में अरेंज करना है कोई इक्वल भी हो सकता है कोई इक्वल नहीं भी हो सकता है, है ना तो क्या करेंगे वेन एनी फोर आर सेलेक्टेड एनी फोर आर सेलेक्टेड फ्रॉम बी बी के अंदर से चार सेलेक्ट करेंगे तो कैसे सेलेक्ट करेंगे ग्यारह सी चार एलेवन सी फोर हमने सेलेक्ट किया लेकिन अब इनको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा कैसे लिखना पड़ेगा ध्यान से समझना से कैसे लिखोगे इसको ध्यान से वन टू थ्री फोर सब सपोज करो आपने ये चार सेलेक्ट कर लिए क्या सिचुएशन हो सकती है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और यहाँ यहीं ए फाइव हो सकता है दोनों दोनों वैल्यू यहीं हो सकती है और क्या सिचुएशन हो सकती है ए एक दो तीन ये मैं लिखना चाहूंगा इसको ये ए वन हो सकता है ये आपका ए टू हो सकता है ये ए थ्री और ये ए फोर और ये ए फाइव ऐसे ही ये ए टू ए थ्री हो सकता है बाकी डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ही ये A1 A2 हो सकता है बाकी डिफरेंट डिफरेंट तो कितने केस बने है? चार केस बने है? ये वाला केस बन जाएगा इलेवन सी फोर समझ रहे हैं को? नंबर थर्ड केस क्या बनेगा वेन एनी थ्री आर सेलेक्टेड फ्रॉम बी बी से कोई तीन से करें इलेवन सी थ्री अब इसके बनेंगेगा ए वन ए टू दोनों यहां पे ए दोनों यहाँ पे ए टू ए थ्री दोनों A2, A3 दोनों और A4, A5, यह भी हो सकता है फिर क्या हो सकता है और क्या सिचुएशन हो सकती है ए वन ए टू यहां पर केवल ए थ्री और यहां पर केवल A4, A5. तो तीन सिचुएशन ये हो गई है कोई भी दो पे तो दो दो और बचा को एक और क्या हो सकता है इसके अलावा और क्या हो सकती है सिचुएशन ए वन ए टू पे हो जाए और ये ए फाइव अलग हो जाए ऐसे ही सेकंड में ये तीनों हो, हो सकते हैं ए वन यहां पर ए टू ए फोर यहां पर ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्या हो सकता है ए वन यहां पर ए टू यहां पर फोर ए फाइव तीनों यहां पर तो तीन केस ये तीन केस ये कितने केस हो गए छह केस यहां से बनेंगे थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इसको पूरी कैलकुलेशन हमें नंबर फोर्थ नंबर फोर्थ में क्या है वेन एनी फोर आर सेलेक्टेड फ्रॉम बी उस केस में क्या होगा इलेवन सी फोर लेकिन उसके केसेस कितने बनेंगे जरा ध्यान से एक दो इलेवन फोर तो हो गया हमारा टू लिखेंगे यहाँ पे है ना इलेवन सी टू 4 तो हमने लिख लिया ना 4 3 पहले 5 लिखा फिर 4 लिखा फिर 3 लिखा अब 2 की बारी आएगी ना 11 c 2 और इसके केस कितने बनेंगे दो आपने सेलेक्ट कर लिए तो क्या हो सकता है a1 a2 a3 a4 यहां पर a1 a2 a3 a4 यहां पर और a5 यहां पर ऐसे ही a1 यहां पर a2 a3 a4 a5 यहां पर दो केस ये हो गए दूसरा के और क्या केस बन सकते हैं a1 a2 यहां पर ए थ्री ए फोर ए फाइव यहाँ पर सिमिलरली ए वन ए टू ए थ्री यहाँ पर और ए फोर ए फाइव यहाँ पर तो कुल मिलाकर कितने केस बन जाएंगे इसके चार केसेस बन जाएंगे सबसे अंतिम केस व्हेन एनी वन एलिमेंट सेलेक्ट वन सेलेक्टेड फ्रॉम बी उसका क्या बनेगा इलेवन सी जब एक ही एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया तो उसमें सारे सारे एलिमेंट को पुट करना पड़ेगा तो उसका केस कितना केवल एक

ये जो एस वाला है और ये क्यू वाला है इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बस इलेवन और टेन का डिफरेंस है आप कहेंगे सर कैसे यहां पे क्या बोला है डिक्रीजिंग बोला है यहां पे बोला है नॉन इंक्रीजिंग तो कहानी जस्ट अपोजिट हो जाएगी नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग में क्या था इंक्रीज करने चाहिए एलिमेंट्स की वैल्यूज एफ ऑफ एवन एफ ऑफ एन की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए

10c4 फोर आप समझ रहे हैं? 4, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था वही है है ना ठीक है? और इसका क्या है फोर है फोर नेक्स्ट आएगा हमारा क्या टेन सी वन इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को तो हमारी वैल्यू बन जाएगी टू थाउजेंड टू और इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा ये वाला सिमिलर वे में एकदम इसका आंसर आ जाएगा

के इक् टू नाइन के लिए पूछा गया तो यहीं मैं लिख देता हूँ उसको आर को जरा देखना के इक्ल टू नाइन के लिए पूछा गया समझना मेरे लालो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ एलिमेंट है ना नौ वाला है ये तो इस पर मतलब मान लो ये वन वाला है ये सेकेंड है ये थर्ड है ये फोर है फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन थोड़ा मैं इसके पार्टी कर कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी बने किस तरह से ये लिखना है हमें आंसर

तीन चार पांच छह सात आठ नौ ए वन का वैल्यू जब आपने टू सेलेक्ट कर लिया तो ए टू का वैल्यू ए टू का वैल्यू अब पीछे तो आ नहीं सकता तो ए टू का वैल्यू टू होने की कोई टेंशन नहीं है ऐसी ए थ्री का वैल्यू थ्री होने की कोई टेंशन नहीं क्योंकि ए टू यहां पर आएगा तो ए थ्री जस्ट आगे ही आएगा या फिर और आगे आएगा आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर ए आई का वैल्यू आई नहीं होना चाहिए तो ए वन का वैल्यू मैंने वन की जगह क्या रख दिया टू रख दिया अब ए टू का वैल्यू इससे आगे ही लेना पड़ेगा मेरे को या तो थ्री लूंगा या फोर लूंगा फाइव लूंगा सिक्स लूंगा तो वो वाली संभावना खत्म हो जाएगी ना एफ ऑफ ए टू इक्वल टू टू हो जाए वो तो टेंशन नहीं है हमें तो हमें करना क्या होगा इसके बाद ए वन को जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो हमें ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव चारों के लिए कोई भी इनमें से एलिमेंट सेलेक्ट कर लें इस तरह से सेलेक्ट कर लें ताकि ऑर्डर वही रहे तो हम क्या कर रहे हैं है? सेटलमेंट बैठा ए वन के बाद हम सेटलमेंट कर रहे हैं बच्चे कुछ कितने हमारे ए तो है ही नहीं है ए के लिए वन हो गया एवन हो गया ये टू के लिए एवन हो गया बाकी हमारे कितने हैं सात तो सेवन के लिए क्या अरेंजमेंट है सेवन में से कितने सेलेक्ट करने से फोर लेकिन इनका अरेंजमेंट नहीं करना क्योंकि जैसे ही मैंने सपोज करो तीन चार पांच चार सेलेक्ट हो गए तो इसका मतलब ऑटोमेटिक है बाय डिफॉल्ट है यहां पे ए टूगा यहां पे ए थ्री यहाँ पर ए फोर ए फाइव क्योंकि ऑर्डर यही होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट सिचुएशन अब ए वन का वैल्यू मैंने टू ले लिया और नेक्स्ट केस लेता हूं जब ए वन का वैल्यू मैं क्या सेलेक्ट कर लू यहां पर ए वन का वैल्यू मैं सेलेक्ट कर लूँ बेटा क्या सेलेक्ट कर लू यहां पर थ्री सेलेक्ट कर लूँ ए वन का वैल्यू यहां पर थ्री सेलेक्ट कर लू ठीक है अब वही आने वाली टेंशन नहीं है कि ए टू का वैल्यू टू हो सकता है क्या वो कोई टेंशन नहीं है तो आने वाले केसेस में मुझे करना क्या होगा यहां पे मुझे क्या करना होगा बेटा यहां पे मुझे क्या करना होगा वही सेम सिचुएशन के लिए ये जो तीन के अलावा जो बचे कुछ छह हैं उनमें से कोई चार सेलेक्ट करने होंगे और उनका अरेंजमेंट नहीं करना होगा सिमिलर में इससे नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 5c4 और सबसे लास्ट वाला क्या आ जाएगा 4c4 फोर फोर। आप समझ रहे हैं तो इन चारों को ऐड कर देंगे हम 7c4 64 5c4 और 4c4 को ऐड करेंगे तो आपको पता है इनको सीरीज बनती है ना इसका इसका जो होता 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 है 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 वो क्या होता है? 8C5 होता है. 8C5 को सॉल्व कर सॉल्व मतलब करेंगे के बराबर होगा मतलब सिंपल तो हमारा वैल्यू हो जाएगा मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारा आर वाले का जाएगा, 4. तो इस तरह से हम इन पी क्यू आर एस को तो एक तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन इसके अंदर मिक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स है और फंक्शन तो है ही ये ठीक है यहाँ पे मुझे लगता है आपको जो है क्यू को थोड़ा समझने में परेशानी आई होगी लेकिन यदि क्यू समझ में आ गया तो ऐस को समझने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है इस तरह से हम इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर करेंगे चलिए तो इस तरह से हमारे सोल्यूशन यहाँ पर खत्म होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रेन के क्वेश्चन की तरफ ये आपका ब्रेन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसको आ, मतलब सॉल्व करिए कोशिश करिए फिर आपको नेक्स्ट सीरीज में इसका आंसर मिल जाएगा थैंक यू